ग्रीस में भीषण रेल हादसा हो गया। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 85 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा दो ट्रेनों की आमने सामने टक्कर होने के बाद हुआ। अब तक हादसे की वजह सामने नहीं आ पाई है। यह ट्रेन एथेंस से नॉर्थ सिटी की ओर जा रही थी। यह हादसा लेरिस्सा के पास हुआ है। इसकी पुष्टि खुद इलाके के गवर्नर ने की है। हादसे के करीबन 250 पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जस्मदीदों की माने तो हादसे के बाद ट्रेन में काफ़ी चीख पुकार मच गई थी, लोग चिल्ला रहे थे। वहीं एक अन्य पैसेंजर्स ने कहा कि यह एक भूकंप की तरह महसूस होने वाला हादसा था। मौके पर रेस्क्यू टीम तैनात है। हादसे के बाद पैसेंजर्स को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।